दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन होता है उसे किस तरह से हम जो स्टेटमेंट निकाल सकते हैं यानी कि पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है अपना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB का जो ऐप्स खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर इस तरह से व्यू लास्ट 10 ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना है, जैसे पासबुक डाउनलोड करना है, किस तरह से करेंगे तो यहां पे देखिए एक ऑप्शन मिलेगा इसी पेज पे सर्विस का। तो नीचे में एक ऑप्शन है सर्विस का, तो यहां पे इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और ऊपर करने के बाद सर्विस का, नहीं तो आप ये 3 लाइन देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस जगह, और क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर सर्विस का। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं और आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपडेट स्टेटमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप ईमेल के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वार्टरली है, मंथली है, हाफ ईयरली है या ईयरली में आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपके एक साल में आएंगे। ठीक है, तो अगर आप मंथली लेना चाहेंगे तो जो भी आपके मंथली में ट्रांजैक्शन होगा उसका मंथली में आपको मंथली बाय मंथली आपका स्टेटमेंट आ जाएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, अगर आप बाय पोस्ट पे करना चाहते हैं, बाय पोस्ट के द्वारा, यानी कि मान चलिए आप मंथली में जितना भी रुपया का ट्रांजैक्शन किए उसका स्टेटमेंट अगर आप बाय पोस्ट के द्वारा मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक रहने दीजिए और आपका मंथली में पोस्ट के द्वारा आता रहेगा, या आप हाफ ईयरली में करना चाहते हैं तो आपका हाफ ईयरली में आता रहेगा। अगर एक साल के लिए यहाँ पे कर देते हैं तो एक साल में आपका आएगा स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक एक साल के लिए आएगा जितने भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप बाय पोस्ट के द्वारा करते हैं तो मंथली बाय मंथली आपका जो है बाय पोस्ट के द्वारा स्टेटमेंट आता रहेगा। अगर आप ईमेल के द्वारा लेना चाहते हैं तुरंत तो यहाँ पर आप ईमेल पर आप क्लिक करेंगे, और अगर आप मंथली लेना चाहते हैं जो भी आप मंथली में ट्रांजैक्शन किए, या मंथली या हाफ ईयरली या ईयरली, आप जो भी आपका इच्छा है उस अनुसार से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा मानना है कि मेरा ओपिनियन है कि आप मंथली सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि जो भी आप मंथली में ट्रांजैक्शन करेंगे तो मंथली बाय मंथली आपके ईमेल पे जो है स्टेटमेंट यानी कि पासबुक आपको सेंड कर दिया जाएगा कितने रुपये का आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, कौन कौन से डेट को किए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से रहने दीजिए मंथली पे, और अपडेट पे आप क्लिक करेंगे। तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे OTP इंटर कर देंगे, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम OTP दे चुके हैं तो सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ऑप्शन अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है। तो गो टू होम पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जो है जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे महीने के लास्ट जो तारीख होते हैं उनमें आपका ये आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए मेरे ईमेल पे आ चुका है, तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम ईमेल ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IPPB ई स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यह देखिए मेरा डाउनलोड हो चुका है, और डाउनलोड होने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपको क्या पासवर्ड देना है तो चलिए हम आपको बैक लेके चलते हैं, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं क्या पासवर्ड आपको देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपका नाम है श्याम गुप्ता, ठीक है, तो अगर आपका नाम है श्याम गुप्ता और आपका जन्म तिथि है 10/08/1989, ठीक है, तो आपका पासवर्ड बनेगा श्याम, यानी कि आपके नाम के शुरू के 4 लेटर कैपिटल में होना चाहिए, जैसे कि SHY, आपके नाम के शुरू के 4 लेटर कैपिटल में। उसके बाद जैसे कि आपका 10/08/1989 है तो यहाँ पे 10 देंगे, 08 देंगे क्योंकि आपका 8वां महीना है तो 08 देंगे, अगर 9वां महीना तो 09 देंगे, अगर 10वां महीना तो 10 लिखेंगे, 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देंगे, 10 देंगे और 08 देंगे, और ईयर ऑफ जो बर्थ होता है वो जैसे 1999 होता है, 1989 होता है, 1992 होता है, तो आप 1900 या 1800 नहीं देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ
लास्ट का आपको दो डिजिट देना है। तो जैसे 1989 है तो सिर्फ हम 89 देंगे, 89 देंगे, तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपके नाम के शुरू के 4 लेटर कैपिटल में होना चाहिए, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि मान के लिए 10 तारीख और 8वां महीना और 1989, तो 10 देंगे और 8वां महीना में 08 देंगे, और 1989 जो है 1900 को छोड़ देंगे और सिर्फ 89 देंगे, 89, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड इंटर कर लेंगे। हम आपको बताएं कि इस तरह से आपको पासवर्ड देना है, उस तरह से हम पासवर्ड दे चुके हैं। उसके बाद ओपन पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरा स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना आप लेन देन किए थे, कितना रुपया का और कौन से डेट को किए थे, इस तरह से आप जो है स्टेटमेंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। नहीं तो इंस्टाग्राम का जो आईडी है, आईडी नाम, तो वो डिस्प्ले पे आ रहा होगा, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।